सो लव यू ऑल दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त जीशान अली, फिर से आपके पास एक बार। सो अस्सलाम वालेकुम सबको। तो आज का टॉपिक है व्लॉग के रिलेटेड, व्यू के रिलेटेड। मैं आज कोई व्लॉग बना रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ आप लोगों को बातें शेयर कर रहा हूँ जो मैं अभी पिछले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से मैं फेस कर रहा हूँ। बिकॉज ऑफ का जो आज का टॉपिक है वो है व्यूज़ मेरे बहुत कम हो गए, पता नहीं क्यों। 1700 मेरे सब्सक्राइबर हैं लेकिन व्यूज़ मेरे आ रहे हैं बहुत ही लिमिटेड आ रहे हैं। मतलब मैं बिलीव नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं जानता था, जहाँ तक मैंने पूरा सोल्यूशन देखा, मैंने फोकस किया, मैंने सर्च किया और मैंने बहुत डीमोटिवेट हुआ, उसको समझ नहीं पा रहा था। मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया हूँ और रिस्क लेके मैं एक प्लेटफॉर्म पर आया हूँ और अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं। मैंने 1700 से, मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था और मेरी जर्नी ज़ीरो से स्टार्ट हुई और मैंने 1700 तक फ़िलहाल, इतना ही, आगे भी और बढ़ेंगे। आप लोग के साथ, आप लोगों का प्यार मेरे साथ हमेशा रहेगा। लेकिन व्यूज़ अचानक से कम हो गए, डाउन हो गए। ऐसा लगता है यूट्यूब ने मेरा सारे वीडियोस को डाउन कर दिया और स्टक हो गए। तो रीज़न मैं ढूंढ रहा था कि क्या रीज़न है और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है। बाकी जो नए यूट्यूबर्स हैं, जो नए व्लॉगर्स हैं और जो बड़े व्लॉगर्स हैं, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, शायद उनके साथ भी ये हो रहा है। तो स्पेशली मैं वही चीज़ मैं आपके सामने आया हूँ और आप लोग से बात शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत भारी था दिल मेरा, समझ नहीं पा रहा था मैं क्या बोलूँ और कैसे करूँ। क्योंकि मैं मेहनत मैं सही कर रहा हूँ, मेरा कंटेंट अच्छा है और मेरा थंबनेल अच्छा है, मेरा डिस्क्रिप्शन अच्छा है, बट समझ नहीं पा रहा था कि मेरे व्यूज़ क्यों कम आ रहे हैं। तो फाइनली मैं सोचा कि आप लोग से एक छोटा सा व्लॉग बना के मैं शेयर करूँ बातें, ताकि आप लोग तक पहुँचे। और मैं शेयर कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया था कि मेरे 4 हफ्ते मेरे जो दिवाली में गए थे, मैं ऐसे जॉब करता हूँ, बहुत ही मेरे कंजस्टेड थे, मेरे को वीक ऑफ भी नहीं था, छुट्टी भी नहीं थी। मैं उसमें बिल्कुल मैं व्लॉग नहीं निकाल पाया। फिर उससे एक हफ्ते पहले मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था मेरा, उसमें वो भी बहुत ज़्यादा, यानी टोटल 4 हफ्ते, 4 हफ्ते मेरे पास वीडियोज़ नहीं थी और वीडियोज़ मैं डाल ही नहीं रहा था, मतलब व्लॉग में डाल ही नहीं रहा था, क्योंकि रात में लेट हो रहा था, सुबह में जल्दी आ रहा था, तो बहुत कंजस्टेड था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इस वजह से मेरा व्लॉग, यूट्यूब ने शायद मेरा वीडियो सारे स्टक कर दिया होगा और होल्ड पे कर दिया होगा या डाउन कर दिया रहेगा जो ग्राफ होता है। बट मैंने बहुत सोचा, बहुत हिम्मत, मैंने बहुत मोटिवेशन होता, डीमोटिवेशन होता, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने वीडियोस में देखता हूँ, मैं व्लॉग देखता हूँ मनोज दे सर का, जो अभी अगर ये वीडियोज़ अगर वो सुन रहे हैं या वीडियोज़ मेरी वो देख रहे हैं, तो सर थैंक यू सो मच, मैं आपको थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ आपके। मैं अचानक से मैं वीडियोज़ आपका देखा था तो मुझे एक वीडियोज़ आपका आया और एक मोटिवेशन मुझे मिला, मुझे बहुत तसल्ली मिली दिल को कि सही बात है, मेरे से और भी कितने बंदे मेहनत कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे और वो भी दिन रात मेहनत करते हैं, बट उनके भी, बट मेरा तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि मेरा 50, मतलब 100 में से आप देखोगे तो मेरा 25% 20% ही व्यूज़ आ रहे हैं। पता नहीं नोटिफिकेशन जा रहा नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ। तो मैंने मनोज दे सर का मैंने वीडियोस देखा, उन्हें बहुत अच्छी मोटिवेशन दी। उनके साथ भी ये हो रहा है कि उनके भी मतलब 2 लाख जो व्यूज़ आते थे वो सारे डाउन हो गए। अब उनके बातों से पता चला, उनके टॉपिक से पता चला कि वीडियोस इस वजह से व्यूज़ आ रहे हैं क्योंकि यूट्यूब्स के जो एल्गोरिज्म है वो सारे डाउन जाते हैं, मतलब वीकली चेंज होते हैं, वो महीने में चेंज होते हैं, वो यूट्यूब जानता है, वो बड़े क्रिएटर्स भी नहीं जानते, ना कोई भी नहीं जानता, ना मैं भी जानता हूँ कि वो क्यों डाउन हो रहे हैं। अब वो डाउन होते हैं लेकिन ऑटोमेटिकली वो अप भी होते हैं, पता नहीं चलता। तो इससे ये पता चला, मनोज दे सर ने बहुत ही अच्छा मोटिवेशन दिया। जैसे मैं और एक है अहमद इसरार अहमद शीना करके, वो पाकिस्तान के, वो भी बहुत अच्छे मोटिवेशन है, मैं उनको भी सुनता हूँ। और एक दो है, मैं उनका नाम बाद में बताऊँगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, मनोज दे सर, अगर मेरी वीडियोस, मेरा व्लॉग आप सुन रहे हैं, आप तक वीडियोस पहुंच रही है या आपके यूट्यूब फैमिली तक पहुंच रही है या यूट्यूब के आपके जो व्यूवर्स हैं वो देख रहे हैं इस वीडियो को, इस व्लॉग को, सो थैंक यू सो मच आप लोगों का ढेर सारा प्यार। मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला, मैं बहुत ही डिप्रेशन और डीमोटिवेट होने लगा था कि अब क्या करूँ, इतना बड़ा रिस्क लेके मैं ये प्लेटफॉर्म पर आया हूँ और मैं जहाँ मेरा ग्रोन अप हो रहा था उसके बाद में अचानक से 4 हफ्ते बाद मेरा जो ब्रेकअप था उसके बाद में फिर मैंने डालना चालू किया, बिल्कुल डाउन हो गया, बिल्कुल डाउन। तो मैं एकदम, अब मुझे ऐसा जान में जाना है, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं आस्ते आस्ते वहाँ पर ट्रैक पे लाने के लिए। आप लोगों का साथ चाहिए, प्यार चाहिए। थैंक यू मनोज सर, मैं अगेन आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ और आपका मोटिवेशनल मैं देखता रहता हूँ, इंस्पिरेशन मिलता है जैसा वो देते हैं इंस्पिरेशन, हर एक इंसान एक दूसरे को देख के मिलता है इंस्पिरेशन। तो मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, ज़्यादा लेंथी नहीं बनाऊँगा, बस मैं यही चीज़ शेयर करना चाहता कि लाइक्स नहीं आ रहे हैं, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं और प्लस व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, रात में यहाँ पे जॉब से आता हूँ, छूटने के बाद मैं
रात में मेहनत करता हूँ, दो दो तीन तीन सवा तीन तीन बार तक मैं थंबनेल पे मेहनत करता हूँ, फिर कंटेंट के लिए एडिटिंग करता हूँ, फिर सुबह उठ के मैं वो अपलोड करता हूँ, उसके बाद में फिर जॉब पर मैं पूरा कंजेस्टेड हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत मेहनत करता हूँ। और जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं सब मेहनत करते हैं, चाहे वो छोटे व्लॉगर्स हो चाहे छोटे क्रिएटर्स हो, वो भी मेहनत करते हैं, और जितने भी व्लॉगर्स हैं बड़े बड़े जो यूट्यूबर क्रिएटर हैं सब मेहनत करते हैं। तो थैंक यू मनोज दे सर, मैं वापस आपको थैंक यू बोलता हूँ, बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला। और इसरार अहमद शीना करके वो भी बहुत अच्छे मोटिवेशन ले, मैं उनको भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ, उनसे भी बहुत सी इंस्पिरेशन मिली मुझे, हिम्मत मिली कि घबराई मत, आज नहीं इतना है कल आपका बढ़ेगा, डोंट वरी, आप कंटिन्यू काम करिए इस प्लेटफॉर्म में, मेहनत करिए, अच्छे कंटेंट बनाइए और अच्छे थंबनेल बनाइए, इंशाल्लाह एक दिन तो आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे वीडियोस ताकि आप लोग बोर ना हो, और मुझे ढेर सारा प्यार और आप लोग के लिए भी प्यार, आप लोग भी आसपास अपने प्यार दीजिए, प्यार बांटिए, खुशियाँ लीजिए, खुशियाँ बांटिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जो भी डीमोटिवेशन हो रहा है, जिस तरह मुझे मोटिवेशन मिला, उनको भी पता चले कि नहीं आप भी मोटिवेशन हो, जिस तरह मैं डीमोटिवेट हो रहा था कि मैं इतना बड़ा रिस्क लेके प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। तो डोंट वरी, आप अपने काम पे फोकस करिए, मेहनत करिए, आप एक दिन आगे बढ़ेंगे, ज़रूर बढ़ेंगे, ज़रूर बढ़ेंगे, ज़रूर बढ़ेंगे। तो भर भर के किलो के हिसाब से लाइक करिए, भर भर के कमेंट्स करिए, और थॉर वाला हथौड़ा मारिए सब्सक्राइब बटन पर जल्दी से। लव यू ऑल, बाय बाय। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि मैं मनोज देसर का मैं नाम का सहारा लेके मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं, वो उनकी मेहनत है, वो उनका मोटिवेशनल स्पीकर है, जो इंस्पिरेशन मिला जो मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ, तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा, मेरा खुद का आइडेंटिटी है, मैं खुद अपने दम पर जीरो से मैंने 1700 किया है, तो मैं खुद के दम पर हूँ, और आप लोग के साथ आप लोग का सपोर्ट मुझे मिला है। इस तरह आप भी ऐसा मत सोचिएगा कि आप किसी को इंस्पिरेशन समझते तो उनका नाम लेते हो, ऐसा बिल्कुल मत नहीं, अपनी मेहनत अपने काम पे फोकस करिए, आगे बढ़िए, इंस्पिरेशन आपकी लाइफ में आते रहेंगे। और कभी भी छोटा मत समझिए, किसी के आप नाम ले रहे हो तो मैं उनका नाम लूँगा तो मैं छोटा हो जाऊँगा, बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि आप देख रहे हो उनका वीडियोज़ तो इंस्पिरेशन आपको मिल रहा है, तो प्लीज़ आप भी वैसे ही करिए, उनका नाम लेके बिंदास रहिए, क्योंकि आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है उनसे। तो मुझे मनोज दे सर और इसरान अहमद शीना जो सर है वो बहुत ही अच्छे हैं, जो मुझे बहुत ही इंस्पिरेशन मिला, मोटिवेशन मिला। तो आज के लिए इतना ही, लव यू ऑल, बाय बाय।